Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study science of class 2. Let's start our unit 13. Sounds we hear, आवाज़ें जो हम सुनते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट साउंड्स है, साउंड्स के मुतालिक है कि हम साउंड होता क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है और हम उसको कैसे सुनते हैं और वो किस तरह से साउंड ट्रैवल करता है, आज ये सब हमने सीखना है. ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड्स इन एवरी डे लाइफ. After learning this unit, students will be able to identify different sounds in everyday life. If इस unit का मुताला करने के बाद जो तुलबा है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आवाज़ों के पहचानने के काबिल हो जाएंगे. Identify loud and soft sounds, noisy and quiety, और जो तेज़ और हल्की और नागवार आवाज़ें और खामोशी को पहचान सकेंगे. Identify how sounds travel, और ये शिनाख्त कर सकेंगे कि साउंड वो ट्रैवल किस तरह करता है. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है थिंक बैक में, हाउ डू वी हेयर डिफरेंट साउंड्स, कि हम मुख्तलिफ जो आवाज़ें हैं वो किस तरह से सुनते हैं. जब हम इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. नॉइसी, नागवार, क्वाइट, खामोश, वाइब्रेशन, थरथराहट, साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें. साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, एनीथिंग दैट मेक्स अ साउंड इज कॉल्ड अ साउंड सोर्स. आवाज़ें हमारे चारों तरफ हैं, कोई भी चीज़ जो आवाज़ बनाती है उसको हम आवाज़ पैदा करने का जरिया कहते हैं. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक साउंड्स. जानदार और गैर जानदार चीज़ें, गैर जानदार और जानदार जो हैं वो आवाज़ें पैदा करते हैं. जी स्टूडेंट्स, जो साउंड्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं. हम हर जगह अपने इर्द गिर्द साउंड को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल की रिंग बेल का साउंड, अगर हमसे कोई चीज़ हाथ से गिर जाती है तो उसके गिरते वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर हम अपने स्कूल बेंच पर अपनी पेंसिल को इस तरह से करेंगे तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा. इसके अलावा बहुत सी हर जगह जो भी चीज़ है वो साउंड जरूर प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पार्क में हैं तो पत्तों की सरसराहट महसूस होगी हमें और परिंदों की चहचहाहट हम महसूस कर सकेंगे. और अगर हम किसी ट्रैफिक प्लेस पर हैं तो हमें ट्रैफिक की आवाज़ और गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देंगे. इसके अलावा अगर हम अपने घर में हैं, अपने रूम में हैं, तो हमें अपने फ़ैन की आवाज़ सुनाई देगी. या अगर हम अपने टीवी ऑन कर लेंगे तो टीवी की आवाज़ पैदा, टीवी जो है वो हमें साउंड देगा, उससे हम साउंड मिलेगा. और इस तरह से हर जगह हमारी ज़िंदगी में हर जगह साउंड है. हम दुनिया में जहाँ पे भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, साउंड ज़रूर मिलेगा. आगे फॉर एग्जांपल, इन स्कूल वी हेयर द साउंड्स ऑफ अ बेल. जैसे कि मिसाल के तौर पर स्कूल में हम जो बेल को सुनते हैं, द बेल मेक्स अ रिंगिंग साउंड. इन अ गार्डन वी हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स चिरपिंग एंड वीविंग रेस्टलेस. मिसाल के तौर पर स्कूल में घंटी की आवाज़ सुनते हैं, घंटी बजते ही बजती है. एक बाग में हम परिंदों की चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें सुनते हैं. आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ साउंड. हमारी जो दुनिया है वो आवाज़ों से भरपूर है. नो मैटर वेयर वी आर एट होम और स्कूल और इन पार्क, वी हेयर डिफरेंट साउंड्स. डू यू हेयर एनी साउंड्स व्हेन यू गो टू अ मार्केट? इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहीं भी हैं, घर पर, स्कूल पर, पार्क में, और मुख्तलिफ हम मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं. क्या आप जब बाज़ार जाते हैं तो आप कुछ आवाज़ें महसूस करते हैं, आवाज़ें सुनते हैं? या ऑफ कोर्स जब हम किसी भी मार्केट में भी जाते हैं तो हम बहुत सी आवाज़ें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो वहाँ पर चीज़ें खरीद रहे होते हैं और वो चीज़ों का भाव कर रहे होते हैं, उसकी आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं. इसके अलावा जो वहाँ पर मार्केट्स वाले, वो शॉप्स वाले होते हैं, वो उसे लेने के लिए जो है वो आवाज़ भी लगा रहे होते हैं, वो भी हम अपने कानों से सुन सकते हैं. इसलिए हम कहीं भी चले जाए, ट्रैफिक प्लेस पर जहाँ पर ट्रैफिक होती है वहाँ पे भी हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, हॉर्न की, गाड़ी के चलने की, और इसके अलावा बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तब भी हम बहुत से लोगों की बहुत से बोलने की आवाज़ें, आपस में बातें करने की आवाज़ें सुनते हैं. टाइप ऑफ साउंड, टाइप्स है लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स. जी, टाइप्स जो है हमारे पास साउंड्स की वो लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स हैं. लाउड जो आवाज़ें होती हैं बहुत तेज़, जो हमारे कान को हम दूर से बहुत, जैसे कि किसी ढोल की आवाज़, अगर कहीं दूर भी ढोल बज रहा है तो हमारे तक उसकी आवाज़ पहुंच जाएगी. लेकिन अगर दो लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं
और हमसे बहुत दूर है तो हम नहीं सुन सकेंगे कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो जो लाउड साउंड होगा वो हमें दूर से भी सुनाई देगा, लेकिन जो कम आवाज होगी वो हम जब तक पास नहीं जाएंगे नहीं सुन सकते, और हम उसको ज़्यादा डिस्टेंस से कम आवाज़ को नहीं सुन सकते। तो ये लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स ये होते हैं। ज़्यादा तेज आवाज़ों को लाउड साउंड्स कहते हैं। सम साउंड्स आर लाउड, वी कैन हियर अ लाउड साउंड्स फ्रॉम फार अवे। कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं जिनको हम बहुत दूर से भी सुन सकते हैं। इट कैन डैमेज अवर ईयर्स, ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पॉप ऑफ अ बलून, मिसाल के तौर पर बैलून जब फटता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है पप, वो आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ होती है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ आवाज़ें नरम होती हैं। वी कैन नॉट हेयर अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, हम हल्की आवाज़ों को, नरम आवाज़ों को, जो सरगोशियाँ होती हैं उनको हम दूर से नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए, उसको सुनने के लिए हमें, आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी ना कि अगर कोई दो लोग खड़े होकर दूर बात कर रहे हैं तो हम नहीं समझ सकेंगे नहीं सुन सकेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं जब तक हम उनके पास ना चल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉफ्ट साउंड्स हैं उनको हम दूर से नहीं सुन सकते। ये पिक्चर में देखिए लाउड साउंड जो है वो ड्रम का साउंड जो है वो लाउड होता है, वो हम डिस्टेंस से भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा जो सॉफ्ट साउंड है, बर्ड की चिरपिंग है, चहचहाने का साउंड जो है वो हम जब तक पास नहीं होंगे हम दूर से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो ढोल की आवाज़ है वो हम काफ़ी दूर से भी सुन सकते हैं। नॉइसी एंड क्वाइट, नागवार आवाज़ें और खामोश। जी स्टूडेंट्स, जो नागवार आवाज़ें होती हैं वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हमें वो हमारे कानों को वो डैमेज करती हैं, और वैसे भी वो हमें सुनने भी में भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कि ट्रक का हॉर्न होता है उसको सुन के हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें वो आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमारी वो एयर फ्रेंडली नहीं होती आवाज़। इसके अलावा कार, बसेस के हॉर्न्स वगैरह, ट्रैफिक नॉइस जो होती है वो नागवार आवाज़ें होती हैं। इसके अलावा क्वाइट खामोशी कब होती है, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, जब बिल्कुल किसी भी जिस्म का कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना हो तो वो खामोशी होती है। और ज़्यादातर खामोशी कब होती है, जब रात को सब सो जाते हैं तो फिर कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने वाला तो नहीं होता ना, सब कुछ सब सो जाते हैं हम, तो फिर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो रात के वक्त खामोशी होती है। नॉइसी एंड क्वाइट व्हेन देयर आर कंटीन्यूअस लाउड एंड और अनप्लेजेंट साउंड्स इट इज़ नॉइसी। मुसलसल तेज़ आवाज़ या नागवार आवाज़ें आती हैं तो ये शोर होता है, ठीक है। नॉइसी का मतलब शोर होता है, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आने शुरू हो जाती है तो वो शोर हो जाता है जिससे हम इरिटेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ट्रैफिक नॉइस, जो ट्रैफिक की नॉइस है, ट्रैफिक का शोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स, बसेस, ट्रक्स, कार, बसों और ट्रकों का जो शोर होता है वो हमारे एयर के लिए, हम एयर फ्रेंडली नहीं होते उसके, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इरिटेट करता है। व्हेन देयर इज़ लिटल और नो साउंड, जब बहुत थोड़ा और या साउंड नहीं होता तो इट इज़ क्वाइट, तो खामोशी होती है। फॉर एग्जांपल इट इज़ क्वाइट एट नाइट, मिसाल के तौर पर रात के वक्त खामोशी होती है। हाउ साउंड्स ट्रैवल, जो आवाज़ें हैं वो किस तरह से सफ़र करती हैं। सो स्टूडेंट्स, जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट से आवाज़ पैदा हो रही होती है उसके जो साउंड्स जो एयर पार्टिकल्स में चला जाता है, साउंड जो मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो साउंड वेव्स पैदा होती हैं जो कि हमारे ईयर के साथ इंट्रैक्ट करती हैं, तो हमें तो हमारे नर्व को, जो हमारा नर्व है उसको अब जाता है साउंड, हमारे नर्व तक की बात पहुंचती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का साउंड है। फॉर एग्जांपल अगर एक बलून है, बलून फिल्ड विद एयर है, वो अब हवा से भरा हुआ है, लेकिन हमने उसको फाड़ दिया है, लेकिन जब वो फाड़ेंगे तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स और एयर पार्टिकल्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ईच अदर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल्स वो साउंड वेव्स पैदा करेंगे जो हमारे ईयर तक आएंगी, और फिर जो ईयर है हमारे ईयर के अंदर जाके इनर ईयर से हमारे जो नर्व तक ये मैसेज पहुंचेगा कि एक बलून के फटने की आवाज़ है, पॉप करके आवाज़ है। तो इस तरह से जो आवाज़ें हैं वो ट्रैवल करती हैं। साउंड्स इज मेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स,
आवाज़ पैदा होती है जब कोई चीज़ जो है वो थरथराहट किसी चीज़ में पैदा हो तो आवाज़ पैदा होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ वी से इट इज़ वाइब्रेटिंग. जब कोई चीज़ आगे पीछे मूव करती है तो हम उसको क्या थरथराहट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बीट अ ड्रम तो जो ड्रम की जो स्किन है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो ऊपर नीचे जो हो रही होती है वाइब्रेट, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ड्रम स्टिक्स हिट्स अ ड्रम, मिसाल के तौर पर जब जो ड्रम की स्टिक्स हैं जब वो ड्रम को हिट करती हैं द फ्लेक्सिबल स्किन ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, तो जो उसकी लचकदार जिल्द होती है उसकी ढोल की वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. साउंड्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल साउंड वेव्स, जो साउंड जो आवाज़ें हैं वो वेव जो साउंड की साउंड है वो सफ़र करता है लहरों के तौर पर, उनको क्या कहते हैं, आवाज़ों की लहरें. दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर एंड एयर एंड रीच्ड ओवर ईयर्स, ये जो आवाज़ें हैं ये आवाज़ों की लहरें हैं ये सफ़र करती हैं हम एयर में हवा में और फिर हमारे कान तक पहुंचती हैं. जैसा कि मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स तक आवाज़, अगर हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो वो एयर में मॉलिक्यूल्स में चली उसके पार्टिकल टाइनी पार्टिकल्स में वाइब्रेशन जाती है और फिर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे ईयर्स तक आती हैं और हमारे ईयर इनर ईयर को इनर ईयर में जाती हैं और फिर हमारे नर्व तक मैसेज कन्वे करती हैं कि ये वाली साउंड वेव आई है, ये वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमें पता चलता है कि ये किसी भी जैसे कि यहाँ पे ड्रम है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ड्रम ड्रम की आवाज़ है, ड्रम बीटिंग की आवाज़ है. दिस इज़ हाउ द ड्रम प्रोड्यूस्ड अ साउंड्स दैट वी कैन हियर, इसी तरह से जो ड्रम है वो अपना साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि हम सुन सकते हैं. ये देखें अब ये ड्रम बीटिंग हो रही है, उसके बाद जो वेव्स हैं वो बन रही हैं एयर के जरिए, हवा के जरिए और फिर वो कान के अंदर जा रही हैं. तो इस तरह से हमारे नर्व को मैसेज मिलेगा और हमें पता चलेगा कि ये ड्रम बीटिंग की आवाज़ है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. When the strings of a guitar are plugged, they also produce sound waves. जब गिटार की तारों को हम खींचते हैं तो वो आवाज़ की लहरें पैदा करती हैं. अगर हम गिटार की जो वो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको आहिस्ता से प्लग करेंगे तो उस पर कम आवाज़ पैदा होगी और कम वेव्स बनेगी, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा ज़ोर से प्लग करेंगे तो फिर जो उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस्ड होगा. हैव यू एवर नोटिस दैट रिपल्स इन अ पॉन्ड भी प्रोड्यूस हुआ है? Have you ever noticed that ripples in a pond create waves? क्या आपने कभी भी ये बात notice की है कि जो ripples होती हैं pond में, तालाब में जो लहरें होती हैं वो waves की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं? ऐसा तब जो ripples होती हैं वो छोटी लहरें होती हैं जो बन के फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो waves होती हैं वो ज़्यादा गहरी लहरें होती हैं जो कि तेज़ हवा की वजह से भी बनती हैं. और इसके अलावा अगर हम कोई स्टोन को पानी में थ्रो कर देते हैं पॉन्ड में या रिवर में या ज़्यादा पानी वाली जगह पर किसी भी पत्थर को लेकर पानी में फेंकेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा वेव्स बनेंगी जो कि हम देख भी सकते हैं और साउंड भी एक प्रोड्यूस होगा. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि साउंड्स क्या होती हैं. आवाज़ें वही होती हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी हर जगह सुनते हैं और ये तेज़ आवाज़ें लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि लाउड साउंड्स वो होते हैं जो जिनको हम दूर से भी सुन सकते हैं और सॉफ्ट साउंड को हम दूर से नहीं सुन सकते. और जो नॉइसी शोर होता है वो किस पर वो नागवार आवाज़ें जो होती हैं वो होती हैं. और इसके अलावा क्वाइट जो होता है वो खामोशी को कहते हैं, ये भी हमने सारा इसमें पढ़ा है. और इसके अलावा साउंड्स वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती हैं कि आवाज़ें लहरों की शक्ल में सफ़र करती हैं. ये लहरें आवाज़ी लहरें कहलाती हैं. जी जो हमने साउंड ट्रैवल्स के बारे में पढ़ा था कि जो आवाज़ें होती हैं वो लहरों की शक्ल में सफ़र करती हैं और हमारे कान तक पहुंचती हैं और इनको हम आवाज़ी लहरें कहते हैं. इस तरह हमने साउंड वेव्स और साउंड ट्रैवल्स के बारे में भी पढ़ा. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द लेसन. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो.
Thank you very much.